नमस्कार दोस्तों, सिबीट्रॉनिक्स में आप लोगों का फिर से स्वागत है। दोस्तों, आज मैं आपको जो सैमसंग का टीवी है सीआरटी टीवी, उसमें कंट्रास्ट लो कंट्रास्ट आ रहा है, पिक्चर ब्लैक ब्लैक दिखाई दे रहा है, तो इस प्रॉब्लम को सॉल्व करके दिखाने वाला हूँ। तो बने रहे हमारे साथ इसी वीडियो में। दोस्तों, ये जो सैमसंग का टीवी है, इसमें मैंने आपको दिखा है किस तरह का पिक्चर दिख रहा है, लो कंट्रास्ट का प्रॉब्लम नज़र आ रहा है। तो इस लो कंट्रास्ट की जो वजह है वो क्या है, मैं आप लोगों को पूरा दिखाने वाला हूँ। तो दोस्तों, सबसे पहले तो मैं क्या करता हूँ कि आप लोगों को इसके सारे वोल्टेज चेक करके दिखा देता हूँ, इसमें कौन कौन सा वोल्टेज आ रहा है, क्या क्या वोल्टेज आ रहा है, जो कि नॉर्मली सभी टीवियों में होता है। जो हमारे एसटी का सप्लाई होता है, एसटी का सप्लाई चेक करके बताता हूँ मैं आपको। एसटी का जो 110 की सप्लाई होती है, 110 का सप्लाई प्रॉपर आ रही है कि नहीं आ रही है, वो आप लोगों को दिखाता हूँ। फिर बारी बारी से दूसरे वोल्टेज को भी चेक करके दिखाऊंगा मैं आपको। तो ये जो कैपेसिटर है, ये कैपेसिटर का प्लस है, इस प्लस पे आपको चेक करना है। तो ये जो प्लस है, ये 110 की सप्लाई के लिए है, तो 110 की जो सप्लाई है वो भी प्रॉपर 117 वोल्टेज आ रहा है, इसका मतलब ये भी ओके है। उसके बाद में दूसरी सप्लाई जो हमारा ड्राइवर के लिए जाता है, तो ड्राइवर के लिए भी जो 26 से 25 के प्लस वोल्टेज होता है वो भी आ रहा है, ठीक है। अब ये वोल्टेज भी ओके है। उसके बाद में हमारा साउंड के लिए जाता है, सॉरी दोस्तों, ये हमारा माइक्रो कंट्रोलर को जाता है, उसके बाद में ये लास्ट वाला वोल्टेज ये जाता है साउंड के लिए। तो बाकी सभी वोल्टेज साउंड का भी ओके है, जो प्रोसेसर आईसी के लिए जाता है वो भी ओके है। तो दोस्तों, ठीक है, सभी वोल्टेज आपको चेक करके दिखाया है मैं, सभी वोल्टेज ओके आ रहा है। उसके बाद में यहाँ पर जो फॉल्ट है दोस्तों, वो किस चीज़ का फॉल्ट है मैं आपको दिखाता हूँ। दोस्तों, आप ध्यान से देखिए, ये जो एसटी का जो एक पॉइंट होता है एबीएल, और ये जो एबीएल पॉइंट होता है, तो ये वोल्टेज मैंने चेक कराया है, ये तो एसटी का इनपुट है, और ये जो एसटी वन होता है उसके बाद ना 180 का जो वोल्टेज आता है वो दिखा रहा हूँ। तो 180 वोल्टेज भी हमारा बन रहा है, 180 वोल्टेज 170 के समथिंग आ रहा है, इसका मतलब एसटी हमारा काम कर रही है। तो ये तो एसटी की सप्लाई मैंने दिखाया आपको, और एसटी का इनपुट 117 है, और आउटपुट जो इसके लिए आता है वो है, तो ठीक है। उसके बाद में इसका जो एक और वोल्टेज आता है, जो कि हमारा आईसी पे जाता है, और आईसी के एबीएल पिन पे ही लगता है, इसमें भी लिखा होगा एबीएल। तो ये थोड़ा पीसीबी ख़राब है, तो इसमें कैमरे में सही से नज़र नहीं आ रहा, लेकिन जो एसटी का पिन नंबर है मैं आपको दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ, ये एबीएल का पिन है। अब यहाँ पे वोल्टेज 2.1 आ रहा है। अब देखिए दोस्तों, यही जो ये वोल्टेज है, ये हमारा आईसी के पास जाता है, जो माइक्रो प्रोसेसर आईसी है उस आईसी पे जाता है। तो इस वोल्टेज को मैं ट्रैक करते हुए आपको दिखाता हूँ कि यह कहाँ से किस तरह से जा रहा है। देखिए, यहाँ से एक जम्पर आया है, रजिस्टेंस है, रेजिस्टेंस के थ्रू आया है, तो लो रेजिस्टेंस है, इसलिए यहाँ पे वोल्टेज ज़्यादा ड्रॉप नहीं हो रहा है, ये जंपर का काम कर रहा है। तो उसी तरह से उसके बाद में ये यहाँ से होते हुए ऐसे यहाँ एक और जंपर है, इस जंपर के थ्रू जो मैं आपको वोल्टेज दिखाता जाऊँ तो आपको अच्छे समझ में आएगा। ये 2.1 वोल्टेज वही है, उसके बाद में इधर जंपर होके इधर आ गया, तो इधर भी वही है 2.21 के समथिंग। तो फिर यहाँ से होते हुए, यहाँ से घूमते हुए फिर जा रहा है अपना इस पॉइंट पे, यहाँ पर फिर से एक जंपर लगा हुआ है। दोस्तों, इसमें बहुत सारे ट्रैक होते हैं, इसके कारण जंपर लगाते हुए आईसी तक वोल्टेज को ले जाया जाता है। तो यहाँ से देखिए, अब वोल्टेज यहाँ पर भी वही आ रहा है, ठीक है दोस्तों। अब यहाँ से ऊपर हो रहा है, अब यहाँ का जो रेजिस्टेंस है उसमें वोल्टेज ड्रॉप है, तो उसमें वोल्टेज ड्रॉप 1.5 हो गया है। अब ये सेम 1.5 जो वोल्टेज है वो आईसी तक जा रहा है कि नहीं जा रहा है, ये मैं ट्रैक करके दिखाता हूँ। तो जो आईसी का यहाँ तक आ गया, यहाँ पे एक कैपेसिटर लगा है, तो 1.5 और 6 हो गया। तो ये जो एक रेजिस्टेंस के बाद ड्रॉप है, वही वोल्टेज हमारे जो आईसी के पास पहुँच गया।
अब आईसी के पास डायरेक्ट दोस्तों यहाँ से जो डायरेक्ट है कोई जंपर नहीं है, डायरेक्ट आईसी से जुड़ा हुआ है। तो ये इस तरह से मैंने आपको दिखाया कि जो ABL का वोल्टेज है ये किस तरह का वोल्टेज अभी इसमें आ रहा है और आईसी तक कितना वोल्टेज जा रहा है सभी आपको दिखाया मैं। तो सभी वोल्टेज जो कि गड़बड़ यहाँ पे लग रहा है दोस्तों, क्योंकि ये वोल्टेज थोड़ा ज़्यादा आना चाहिए, इसमें 2.1 आ रहा है। तो दोस्तों यहाँ एक और रेजिस्टेंस लगा रहता है, मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये रेजिस्टेंस हमारा 180 लाइन से जुड़ा रहता है, ये 172 वोल्टेज आ रहा है। इस लाइन से एक रेजिस्टेंस जुड़ा होता है जिसका दूसरा पॉइंट यहाँ से जुड़ा हुआ है जंपर होके ये ABL की पिन से जुड़ा है। मतलब ये कि एक और रेजिस्टेंस है जिसका ABL की लाइन से होके 180 वाली सप्लाई की लाइन से जुड़ा होता है। तो ये रेजिस्टेंस ख़राब है, जल गया है, जला हुआ दिख रहा है। तो मैं क्या करता हूँ कि इस रेजिस्टेंस को चेंज कर देता हूँ। ये जो रेजिस्टेंस होता है दोस्तों ये हो सकता है 120K यानी 120K से 180K तक हो सकता है दोस्तों, या 150K, तो इस बीच का कोई भी रेजिस्टेंस हो सकता है। अब ये जल गया है, इसका मैं कलर कोडिंग भी आपको नहीं दिखा सकता हूँ क्योंकि ऊपर की परत इसकी निकल चुकी है। तो मैं 150 का जो रेजिस्टेंस है मेरे पास मैं वो लगा देता हूँ। ये मैं आपको खोल के दिखा देता हूँ कि ये किस तरह से दिख रहा है। ऊपर से पूरा कवर निकला हुआ है, इसका कलर कोड भी कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है। तो कलर कोड तो नहीं, लेकिन मेरे पास जो नया है 150K का रेजिस्टेंस है मैं उसको लगा देता हूँ। तो ठीक है दोस्तों, ये इस तरह से मैंने 150K के रेजिस्टेंस को लगा दिया है जो कि 180 लाइन से होके ABL की लाइन से जुड़ा हुआ है। तो ठीक है दोस्तों, इस जंपर के कारण इसमें जो वोल्टेज है वो डाउन आ रहा था, ये वोल्टेज IC तक जाता है हमारा। अभी हमारा पिक्चर ओके हो गया है और फुल ब्राइटनेस आ गया है, जो ब्राइटनेस की या लो कंट्रेस्ट की प्रॉब्लम थी वो सॉल्व हो गई। ठीक है दोस्तों, तो मैं फिर ये आपको वोल्टेज चेक करके बता देता हूँ कि ये जो वोल्टेज मैंने चेक करके बताया था वो कितना वोल्टेज पहले आ रहा था और अभी कितना आ रहा है। ठीक है दोस्तों, तो देखिए पहले कितना वोल्टेज आ रहा था यहाँ पे ABL की इस पॉइंट पे 2.1 वोल्टेज आ रहा था ना। तो अभी देखिए, अभी दिखाता हूँ कितना आ रहा है। अभी जो वोल्टेज आ रहा है वो 8 वोल्टेज के समथिंग आ रहा है। ठीक है, तो इस तरह का जो वोल्टेज है वो वोल्टेज डाउन हो गया था रेजिस्टेंस ख़राब होने के कारण। ठीक है दोस्तों, तो आशा करता हूँ मैं आपको ये वीडियो अच्छे से समझ में आया होगा और फॉल्ट भी समझ में आएगा। कोई भी टीवी होता है दोस्तों उसमें ABL का वोल्टेज आउटपुट होता है, उस वोल्टेज से एक लाइन में रेजिस्टेंस जुड़ के किसी भी 180 लाइन से या फिर जो वर्टिकल IC होती है उसकी वोल्टेज के लाइन से जुड़े जरूर होता है। तो जब भी इस तरह का फॉल्ट आए आप ज़रूर इस प्रकार के रेजिस्टर को देखें। धन्यवाद दोस्तों।